गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइस, ये एनर्जी अपडेट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज की एनर्जी सच में बहुत ही हैवी है। मतलब आप में से कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन से डिवाइन मास्कुलिन है जो बहुत रो रहे होंगे। मतलब आपने जो पर्सन है उसकी बहुत याद आपको आ रही होगी। एंड जो डिवाइन फेमिनिन से, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह आपको भूल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। हो सकता है कि वो आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका भी कोई प्रॉब्लम होगी या फिर आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा होगी जिसकी वजह से वो आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट उनको पेन नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो भी आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जेटिकली आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, अभी अभी मेरी बात एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ हुई थी जो न्यूली अवेकन्ड है। मतलब उनकी अवेकनिंग को पास 3 महीने हुआ है। मतलब अभी जो 2024 स्टार्ट हुई है, न्यू ईयर में उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चल चुका है। तो उनके साथ अभी बात करके मुझे सच में इतना रोना आ गया कि मुझे लगा कि इस एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए गाइस, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपको पूरी तरह भूल के वो किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं या फिर वो अपनी दुनिया में बहुत मज़े कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। उनकी भी अवेकनिंग कहीं ना कहीं चल रही है कि उनका अवेकनिंग आपके जैसा नहीं होती है। आपको मतलब आपकी अवेकनिंग जब होती है आप पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, आप मतलब अकेले में रहना पसंद करते हो, बहुत कुछ होता है एक डिवाइन फेमिनिन के साथ। बट एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ आपसे भी कई गुना ज़्यादा उनको दुख मिलता है, ठीक है। उनकी अवेकनिंग होता है बट आपके जैसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उनको उनकी जो करियर है, पहले उनको उनकी कैरियर को देखना होता है, उनकी फैमिली है, उनकी मतलब बहुत सारे काम होता है, ठीक है। बट फिर भी इतने सारे कामों के बीच वो आपको मिस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके साथ बात करने के लिए बहुत तड़प रहे होते हैं बट उनकी ये एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि आप लोग खुद की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से बोल रही हूँ कि आप सबसे मैं बोलती आ रही हूँ कि आपको मेडिटेशन डेली करना है। अपनी जो थर्ड आई चक्रा है, जो क्राउन चक्रा है, इनको पूरी तरह एक्टिवेट करना है, ठीक है। तभी जाके आप आपकी जो आउटर ट्विन है उनकी एनर्जी से कनेक्टेड कर पाते हो, उनकी एनर्जी को आप रीड कर पाते हो, ठीक है। देखिए गाइस, अभी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके साथ बात करके मुझे सच में ऐसा लगा कि वो सच में उनकी डिवाइन फेमिनिन को कितना प्यार करते हैं, कितना मतलब तड़प रहे हैं उनसे बात करने के लिए। बट ये जो सेपरेशन उन दोनों के बीच हो गई है, इस सेपरेशन की वजह से वो चाह कर भी अपनी फेमिनिन के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो अंदर ही अंदर इतना तड़प रहे हैं। थैंक गॉड कि उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चल चुका है और हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनको मुझसे काउंसलिंग मिली है। तो वो उनकी सारे मतलब दिल में जो कुछ भी छिपा है, जो पेन उन्होंने उनके अंदर छिपा के रखा था, वो सब कुछ मेरे साथ शेयर कर दिया और उन्होंने इतना रोया। मतलब मैं कभी भी एक डिवाइन मास्कुलिन को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। मतलब उनकी दुख को जब मैं याद करती हूँ, उनकी पेन को जब मैं फील करती हूँ ना, सच में मुझे अंदर से सच में बहुत दुख हो रहा है, ओके। एंड कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर रहे हैं कि जो मतलब आपकी सेपरेशन हो गई है, आपका जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें पब्लिकली आके गालियाँ देते हैं कि आपका जो मास्कुलिन है वो नार्सिसिस्ट है, वो किसी थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहा है। आप कितना बुरा भला आपकी जो मास्कुलिन है उन्हें बोलते रहते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। हो सकता है कि उनका कर्मा किसी और के साथ लिखा हो जो वो निभा रहे हैं, बट आपको ऐसे पब्लिकली उनको ब्लेम नहीं करना है, ओके। क्योंकि वो आप ही का सोल है, ओके। उनके अंदर जो भी फॉल्ट आपको दिख रही है ना, वही चीज़ें आपके ही अंदर है। सबसे पहले आप अपने आपको हील करिए, ओके। एंड गाइज, कलेक्टिव की जो एनर्जी अभी है इसके ऊपर मैं कल या फिर परसों एक डिटेल एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी क्योंकि आज बहुत सारे सेशंस थे एंड मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। मेरा एनर्जी थोड़ा मतलब इम्बैलेंस हो गई है, तो मुझे अपने आप को पहले बैलेंस करना है
क्योंकि सच में आज की सेशन में बहुत सारे इमोशनल टॉपिक के ऊपर बात हुई है, तो मुझे थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना है। एंड ये एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों से इसलिए शेयर किया ताकि आप लोगों के मन में जो मिसकंसेप्शन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपका जो पर्सन है वो आपको मिस नहीं करते हैं, आपको याद नहीं करते हैं, आप उस एनर्जी से अपने आप को पहले बाहर निकाल के देखिए। ओके, आप एनर्जेटिकली अपनी पर्सन की एनर्जी को रीड करना सीखिए। ओके, तभी जाके आप इस जर्नी को समझ पाएंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे एंड आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उन्हें भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपको जैसी दिख रही है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ठीक है, आपके सामने जो आ रही है वो सारे चीज़ें सच नहीं होता है। कुछ चीज़ों को आपको आपकी मतलब जो इंट्यूशन है उसी से आपको पता चलता है। ठीक है, आप अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको इंट्यूशन नहीं आएगी। आप सबसे पहले अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करिए, अपनी क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करिए, उसी से आपको डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाएगा। उसी डाउनलोड के थ्रू आप पता कर पाएंगे कि आपका जो पर्सन है वो किस तरह की एनर्जी में है, उनके साथ क्या क्या हो रही है। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना ही करना है। ओके, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट डूइंग योर इनर वर्क, यू कैंट मूव फॉरवर्ड इन दिस जर्नी। ओके,